हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं मायोनीज सैंडविच बनाने जा रही हूँ। ये बड़ा ही टेस्टी और बड़ा ही कम टाइम में बनने वाला रेसिपी है। इसे आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकती हैं। मायोनीज सैंडविच बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए हमने जो इंग्रेडिएंट्स लिया है वो है 4 ब्रेड, ग्रेटेड कैबेज, चॉप्ड कैप्सिकम, चॉप्ड ओनियन, ग्रेटेड ककुम्बर। हमने बटर लिया है, ऑरिगेनो, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, चीज, भेज, मायोनीज। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। एक हम बाउल लेंगे, उसमें डालेंगे ककुम्बर, ओनियन, कैप्सिकम हम डाल देंगे, कैबेज डाल देंगे, कैरेट डाल देंगे। अब हम इसमें 4 चम्मच मायोनीज डालेंगे। आपको ज्यादा क्रीमी खाना है तो आप थोड़ा सा बढ़ा भी सकती हैं। तो हमने ये मायोनीज डाला। अब हम इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर। स्वाद के अनुसार हम सॉल्ट लेंगे, थोड़ा सा ओरिगेनो डालेंगे और सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो आप देख सकते हैं अपना मिक्सचर एकदम स्मूथी तैयार हो गया है। तो अब हम आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। अब हम एक प्लेट लेंगे और उसमें ब्रेड को ऐसे करके ब्रेड के किनारे को काट लेंगे। तो ऐसे हम ब्रेड को पकड़ के और उसके किनारे को काट लेंगे। इसे हम फेंकेंगे नहीं, इसे या तो उपमा बना लेंगे या ब्रेड क्रम्स में यूज करेंगे। ब्रेड के एक एक स्लाइस को ऐसे अलग अलग रख देंगे और उसपे हम एक नाइफ के सहारे ब्रेड पे बटर लगाएंगे। ब्रेड के साथ बटर का स्वाद बहुत ही बढ़िया लगता है। तो इसे हम अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। अब हम इसके ऊपर ये मायोनीज बना हुआ मिक्सचर को ऐसे रखेंगे और बराबर फैला देंगे। तो ऐसे हम मिक्सचर को बराबर फैला देंगे। तो हम इसे अच्छे से स्प्रेड कर लिए हैं। अब हम दूसरे ब्रेड से इसको ऐसे दबा देंगे। तो हम दूसरे ब्रेड से ऐसे दबा दिए हैं। अब हम ब्रेड को अपने मनपसंद आकार में काट लेंगे। तो हम इसे ऐसे कट कर रहे हैं। आप चाहें तो दूसरा भी शेप दे सकती हैं। ऐसे ही हम इस स्लाइस को भी काट देंगे ऐसे। तो हाथ के सहारे हम इसे संभालते हुए काटेंगे। तो आप देख सकते हैं अपना ब्रेड सैंडविच तैयार है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा चीज को घिसेंगे क्योंकि बच्चों को चीज बहुत पसंद है। तो हम इसे थोड़ा थोड़ा ऊपर से ऐसे घिस लेंगे। सर्विंग प्लेट लेंगे और उसमें इसे सर्व करेंगे। तो ऐसे हम
एक के ऊपर एक रखते हुए और सैंडविच को सजा देंगे। मेरी ये मायोनीज सैंडविच बनकर तैयार है, इसे आप भी बनाइए और टेस्ट कीजिए। अगर ये मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।